नमस्कार, विराट 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम यादव, और आज हम एक ऐसी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं जो धर्म और अधर्म के बीच जुड़ी हुई है। उक्त खबर दिखाने से पहले हम आपको रामायण की एक चौपाई सुनाते हैं जो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है और जो इस खबर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वो चौपाई है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। हिंदुस्तान देवी देवताओं को मानने वाला देश है। यहाँ धर्म के नाम पर लोग सत्ता में विराजमान हो जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने वाले वास्तविक धर्म और देवी देवताओं को मानने और पालन करने वालों पर जुल्म ढाने में संकोच भी नहीं करते। हालांकि ये भी सच है कि इतिहास गवाह है कि जब जब अधर्म बढ़ा है, तब तब किसी न किसी रूप में देवी देवताओं ने अवतार लेकर राक्षसों या राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश किया है। ये सच है कि कलयुग में देवी देवताओं का जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म को मानने वाले किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। कई ऐसी शक्तियां भी हैं जहां विज्ञान काम नहीं करता और तब ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सिरमौर जनपद CEO SK मिश्रा के साथ हुई मारपीट और उनको आई गंभीर चोटों को लेकर के। आपको बता दें कि जनपद CEO के साथ उस धरती पर हमला हुआ जो धरती ब्रह्मदेव बसामन मामा की तपस्थली है और क्षेत्र के लोगों की अटूट श्रद्धा आस्था बसामन मामा से जुड़ी हुई है। बसामन मामा की तपस्थली में कार्य करने वाला अधिकारी कर्मचारी अपना सौभाग्य समझता है कि उसे यहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसे यहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। इन्हीं में से एक है सिरमौर जनपद पंचायत में पदस्थ CEO SK मिश्रा, जो बसामन मामा की तपस्थली में हो रहे कार्यों की सतत निगरानी करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास हैं। और जब भी इन्हें अवसर मिलता था तो बसामन मामा पहुंचकर पूजा अर्चना भी करते थे। जनपद CEO हनुमान भक्त बताए जाते हैं। बसामन मामा की धरती पर उनके साथ कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के दुराचारियों ने ही हमला किया, जो जीवन और मृत्यु के बीच आज संघर्ष करने को मजबूर हैं। आज अपनी एक आंख गंवाने की कगार पर पहुंच चुके हैं। बताया ये जाता है कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा किए गए हमले के बाद जनपद CEO की एक आंख खराब हो चुकी है, जिसका दिल्ली में उपचार चल रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन बड़े दबाव के बाद FIR दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है, जो अपने करने का फल हेतराम की बखरी में काट रहे हैं। बसामन मामा के तप और उनके प्रताप से क्षेत्र में जहां खुशहाली लाने का लगातार प्रयास आ जा रहा था, वहीं इस पावन धरा पर कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का भी पदार्पण हुआ और आज पवित्र धरती में एक ईमानदार और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान अधिकारी अपनी आंख गवा चुका है। विगत एक माह से अस्पताल में उपचार करा रहे जनपद CEO ने यह आशा व्यक्त की कि वह बसामन मामा और हनुमान भक्त हैं। बसामन मामा की तपस्थली, बसामन मामा की तपोभूमि में उनके ऊपर हमला हुआ है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय और बसामन मामा दोषियों को लगातार सजा देंगे। आपको बता दें कि CEO के बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा बनकुनिया मंडल अध्यक्ष मनीष मिश्रा और सिद्धू, विनय शुक्ला, ध्रुव तिवारी, विवेक गौतम और मनीष शुक्ला के ड्राइवर के साथ एक दर्जन लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ धारा 307 का मामला दर्ज होने के बाद चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। शासन, सत्ता और स्थानीय विधायक से जुड़ा मामला होने के चलते आरोपियों को बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन बसामन मामा की कृपा ही रही कि बसामन मामा के भक्त के ऊपर हमला करने वाले दोषियों की जमानत हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी। बताया जाता है कि अब आरोपियों को 3 माह तक हेतराम की बखरी में रोटी तोड़ना पड़ेगा। जनपद CEO SK मिश्रा के साथ हुई मारपीट में सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी का नाम सामने आया। उन्हीं के खास गुर्गों ने मारपीट की और आज ये गुर्गे सलाखों के पीछे हैं। जितना दोषी अपराध करने वाला होता है, उतना ही दोषी अपराध को बढ़ावा देने वाला भी माना जाता है। CEO के मामले में सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी ने 2 दिन पहले ही 3 दिन के अंदर देख लेने की धमकी दी थी और उसका परिणाम 3रे दिन ही देखने को मिल गया। जब CEO बसामन मामा में आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे तो विधायक अपनी कही बात पर खरे उतरे और CEO के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया। आपको बता दें कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्वास्थ्य और हाईकोर्ट से आरोपियों की जमानत निरस्त होने के संबंध में जब हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे ने बात की तो उन्होंने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, उनकी भावनाएं किस तरह से बसामन मामा और सिमरिया क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से धर्म और कर्तव्य परायण व्यक्ति के ऊपर राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने हमला किया है और सत्ता के दबाव में अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए पूरा प्रशासन अंधभक्त बना हुआ है। दोषियों को बचाने के लिए जांच के नाम पर तो कभी अपराधियों को सुविधा देने के नाम पर अपनी आंखें बंद कर रखा है। शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली लगातार देखकर तो यही लग रहा है कि आंख CEO की फूटी है, लेकिन अंधा
प्रशासन हो गया है। आइए सुनते हैं कि सीईओ ने हमारे चैनल हेड रामानंद पांडे से किस तरह से अपना दुख व्यक्त किया है। हेलो जी, जी बताए कौन? रामानंद पांडे बोल रहा था विराट 24 न्यूज चैनल रीवा से। जी 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 पांडे जी बोल रहे हैं। सीओ साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कैसा है सर स्वास्थ्य, कैसा है आपका स्वास्थ्य? भैया आप सब लोगों की कृपा से, बसामन मामा की कृपा से, निश्चित ये मान के चलिए कि मैं गौवंश की सेवा के लिए ही गया था। जी जी, वहाँ गौशाला की मीटिंग में, और बसामन मामा के स्थान से थोड़ी दूर ये घटना घटित हुई। जी, तो मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ के लोगों का जो की दुआएं हैं, बसामन मामा के का आशीर्वाद है, तो इसलिए कुल मिला के सुधार हो रहा है। आरोपियों की को भी सजा मिले, जमानत निरस्त हो गई, हाई कोर्ट से बहुत प्रयास में थे लेकिन हाई कोर्ट से जमानत भी निरस्त हो गई, जानकारी हुई होगी आपको? अच्छा, अभी तो इसकी मुझे नहीं खैर जानकारी है। जी जी, तो लेकिन लगा था केस ये 2-3 दिन पहले। जी जी, और कुल मिलाकर के ये है कि ये मैं कह रहा हूँ, मैं ईश्वर का भरोसा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंगलवार का दिन था, बजरंग बली का भक्त हूँ, बसामन मामा का भी सेवक हूँ, जब जानता हूँ तो वहाँ उनका आराधना करता हूँ, रोज अगरबत्ती लगाता था उनके नाम की, और उनके स्थान में हुआ है, तो ये मान के चलिए कि जो कुछ भी है मुझे पूरा भरोसा है न्याय मिलेगा, सामन मामा के ऊपर, भगवान के ऊपर, और वहाँ की पूरी जनता के ऊपर, कि मैं एक जनता के काम के लिए गया था, इतना टिपिकल जनपद में काम कर रहा था, और मेरे अगर आइडियो को आप लोग सुने हों तो उससे आप ये देखे भी होंगे कि मैं कहीं अपने आप में गलत नहीं था। बिल्कुल, आपकी ऑडियो हम लोगों ने सुना, दुनिया ने सुना है ऑडियो, और लोगों ने प्रशंसा की है, और जिस तरह से धमकी दी गई, जिस तरह से कहा गया, उससे भी स्पष्ट हो गया किस तरह से दबाव में अधिकारियों को काम करना पड़ रहा था और कैसे आप कर रहे थे। निश्चित बिल्कुल ध्यान, स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, और निश्चित है न्यायालय है, भगवान है, हम लोग हिंदू है, भगवान धर्म पर सब में विश्वास करते हैं, तो निश्चित है न्याय मिलेगा आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आराम करिए। और जी जी जी, ठीक भैया, नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। तो सुना आपने, ये दर्द उस प्रशासक का है जिसके ऊपर अनैतिक दबाव बनाकर विधायक के द्वारा कार्य करवाने का प्रयास किया गया, और जब वो अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटा और बसामन मामा की तपस्थली में ईमानदारी से कार्य करने में जुटा रहा, तो उसकी ईमानदारी का फल ऐसा मिला कि वो अपनी आंख गंवाने की कगार पर पहुंच चुका है। शायद इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा था कि जब जब धर्म को क्षति पहुंचाने वालों का जन्म होगा, तब तब अपने भक्तों को बचाने के लिए किसी न किसी रूप में कोई जरूर पैदा हो जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।